आज की मूवी में हम लोग देखने वाले हैं कैसे एक 22 साल की जवान लड़की एक 70 साल के बुजुर्ग आदमी के साथ घपाघप करती है, और हम लोग देखने वाले हैं कि क्या इस बुजुर्ग आदमी का जो छोटा चेतन है वो उस लड़की के किसी काम भी आ पाता है या नहीं। दोस्तों मूवी एक्सप्लेनेशन बड़ी ही शानदार होने वाली है, तो एंड तक बने रहना। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। तो हम देखते हैं मूवी की स्टार्ट होती है यहाँ से, और हम देखते हैं कि एक अगस्ती नाम के एक वेट्रेस को जो कि एक रिच फैमिली में काम किया करती थी, अब उसको एकदम से एक बीमारी हो जाती है जिससे उसके जो हाथ हैं वो कांपने लग जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि उसकी जो बहन है जिसका नाम कॉन्स्टेंस है वो उसे रोकती है तो वो सही हो जाती है। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि अगस्तीन को एक दौरा पड़ता है जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि उस रिच फैमिली की एक औरत होती है जो अगस्तीन के ऊपर पानी डालती है उसे होश में लाने के लिए, और फाइनली अगस्तीन जो होती है वो होश में आ जाती है। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि अगस्तीन की जो सिस्टर होती है जिसका नाम कॉन्स्टेंस होता है वो उसको एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहाँ पर हमें पता पड़ता है कि अगस्तीन को एक बीमारी हो चुकी है जिसमें कि उसका जो एक हिस्सा है वो पूरा पैरालाइज हो जाता है। डॉक्टर अगस्तीन की फुल बॉडी को चेक करता है, बिल्कुल उसके सारे कपड़ों को उतार कर, तब यहाँ पर डिसीजन लेता है कि अगस्तीन को एक सिंड्रोम है जिससे कि उसका जो आधा शरीर है वो बिल्कुल पैरालाइज हो गया है। अब अगले सीन में दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर होता है वो अगस्तीन को कहता है कि अब तुम्हें हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा अगर तुम्हें अपना इलाज सही करवाना है तो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नर्स होती है वो अगस्तीन को हॉस्पिटल में लेकर आती है। अब वहाँ पर हम देखते हैं कि मोस्टली 90% ऑफ दी जो वहाँ के पेशेंट्स थे वो सभी लड़कियाँ थी, और उनमें से कुछ तो बिल्कुल आधी पागल थी क्योंकि उन सभी को कुछ ना कुछ बीमारी थी, उनमें से कुछ लोग पागल भी थे। अब उसी रात दोस्तों अगस्तीन सो रही होती है और वो मन ही मन में गॉड से प्रे कर रही होती है कि गॉड किसी तरह से मैं सही हो जाऊं। अब अगले सीन में दोस्तों हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर की एंट्री होती है जो कि पहले से ही कुछ पेशेंट्स को चेक कर रहे थे। अब जैसे ही दोस्तों हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर अगस्तीन भी लाइन में लगी हुई थी, तो हम देखते हैं कि जैसे ही अगस्तीन की बारी आती है डॉक्टर का जब टाइम है वो खत्म हो जाता है और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। कुछ पेशेंट्स भी और बच जाते हैं अगस्तीन के साथ जिनका चेकअप होना था डॉक्टर के द्वारा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं, अब अगले सीन में दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सारे जो पेशेंट्स थे जो लड़कियां थी वो सब्जी काट रही होती है, तभी उनके पता नहीं क्या होता है वो खिड़की पे जाकर देखते हैं, और हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर थे यहाँ पर वो यहाँ पर एक पेशेंट के साथ यहाँ पर इंटीमेट हो रहे थे, यानी एक पेशेंट के साथ गपागप कर रहे थे, और वो सारी लड़कियां उनके सारे छोटे चेतन को देख रही थी। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो अगस्तीन भी वो भी उनको देखती रह जाती है, तभी एकदम से अगस्तीन को वहाँ पर उसी सिंड्रोम का दौरा पड़ता है और सभी लड़कियां डॉक्टर को बुलाकर लाती हैं। डॉक्टर भी यहाँ पर अगस्तीन की सिचुएशन को देख रहे थे क्योंकि उन्होंने ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन अपनी लाइफ में पहली बार देखी थी और उनकी जो फटकर चार हो गई थी। अब हम देखते हैं कि जो डॉक्टर थे वो अगस्तीन का चेकअप करते हैं, फिर से वो उनके आईज को देखते हैं, उनकी बॉडी पे कुछ निशान पर टिक लगाते हैं जिससे उन्हें पता पड़ सके कि उसकी बॉडी पर किस किस जगह पर उसकी बॉडी जो है वो पैरालाइज है। अब हम यहाँ पर डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक सुई गर्म करते हैं और उस सुई को वो अगस्तीन के हाथ में डाल देते हैं। डॉक्टर का दोस्तों ऐसा करने का कारण ये था ताकि उन्हें पता पड़ सके कि अगस्तीन का कौन सा पार्ट जो है वो पैरालाइज है। अब दोस्तों डॉक्टर जो है वो यहाँ पर एक डिसीजन लेते हैं कि वो अगस्तीन की जो बीमारी है यानी कि जो सिंड्रोम अगस्तीन को है वो उस बीमारी को लोगों के सामने लाना चाहते हैं, वो एक डिसीजन लेते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि जो डॉक्टर है वो अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहे होते हैं और उन्हें अगस्तीन की सिचुएशन के बारे में बताते हैं जो बीमारी अगस्तीन को है। तो यहाँ पर दोस्तों जो डॉक्टर होते हैं वो यहाँ पर एक कुछ डिसीजन अपनी वाइफ के साथ भी लेते हैं। अब हम देखते हैं कि अगस्तीन की जो सिस्टर है इनकी कॉन्स्टेंस वो अगस्तीन के पास आती है और वहीं पर डॉक्टर आ जाते हैं और अगस्तीन को अपने साथ ले जाते हैं। वो अगस्तीन को बताते हैं उनकी प्रोग्रेस के बारे में जो उन्होंने उसके केस में करी है। वो अगस्तीन से राजीनामा लेते हैं कि हम तुम्हें कुछ लोगों के सामने लाना चाहते हैं ताकि उन्हें पता पड़ सके कि ये एक मिथ नहीं है, ये सच में एक बीमारी है जो तुम्हें लगी हुई है। अब यहाँ पर एक नर्स अगस्तीन को तैयार करती है डॉक्टर्स के ग्रुप के सामने ले जाने के लिए, और वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो अगस्तीन को चेक करते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वो अगस्तीन के सामने उन सभी डॉक्टरों को लाते हैं और उन्हें अगस्तीन की बीमारी के बारे में बताते हैं, और वो चाहते हैं कि आप लोग इस बीमारी के एक्सपेरिमेंट में कुछ पैसे लगाएं। तो वो लोग उस डॉक्टर से प्रूफ मांगते हैं कि बताओ अगस्तीन को क्या बीमारी है, तो डॉक्टर अगस्तीन को तभी हिप्नोटाइज करके बेहोश कर देते हैं, और तभी अगस्तीन को वही सिंड्रोम का दौरा पड़ता है और अगस्तीन वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसके कारण जो डॉक्टर्स होते हैं उनमें उथल पुथल मच जाती है, उनकी भी फटके चार हो जाती है और वो अपना पैसा उस बीमारी में लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि इसका बीमारी का इलाज हो और उससे जो पैसे आए वो सब हमारे हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे डॉक्टर वहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, और उसी बीमारी के बारे में उस पार्टी में बातें चल रही होती हैं। दोस्तों इस पार्टी में वो सभी डॉक्टर उस बीमारी का मजाक उड़ा रहे होते हैं, जहाँ पर जो हमारे जो डॉक्टर होते हैं यानी कि जो मेन डॉक्टर हैं इस मूवी के, वो यहाँ पर उन सब लोगों को गलत ठहरा कर ये बात प्रूफ करते हैं कि ये कोई मिथ नहीं है, ये सच में ही एक बीमारी है और आप लोगों को इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक और सीन फिर से चेंज होता है, हम डॉक्टर को देखते
बैठे हैं जो कि अगस्तीन की फाइल चेक कर रहे थे, उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। जहां पर हमें पता पड़ता है कि जो डॉक्टर हैं उनका जो लगाव था अगस्तीन के प्रति वो और बढ़ता जा रहा है, यानी कि वो उसे लव में पड़ चुके हैं अगस्तीन के में। अब हम देखते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो अगस्तीन को एक स्पेशल रूम में शिफ्ट कर देते हैं, जहां पर जो अगस्तीन थी वो भी खुश हो चुकी थी और वो भी डॉक्टर को पसंद करने लगी थी। यहां पर डॉक्टर अगस्तीन को एक मुर्गी पकड़ने के लिए कहते हैं और वो कहते हैं कि उस मुर्गी को मारो। अब जो अगस्तीन होती है वो उस मुर्गी को मार तो देती है पर वो तभी बेहोश हो जाती है। और दोस्तों हम देखते हैं जैसे ही अगस्तीन की आंखें खुलती हैं हम यहाँ पर देखते हैं कि अगस्तीन की जो दूसरी आंख थी वो भी अब खुल चुकी है, यानी कि उसकी जो आधी बॉडी थी उसका सिर्फ आधा ही हिस्सा पैरालाइज रह गया था और आधा पैरालाइज हट गया था। अब डॉक्टर अगस्तीन का फिर से रूटीन चेकअप करते हैं और यहाँ पर हमें फिर से पता पड़ता है कि अगस्तीन अब आधी ठीक हो चुकी है, अब सिर्फ उसका एक हाथ है जो कि पैरालाइज है। ये बात जैसे अगस्तीन को पता पड़ती तो वो बहुत ही खुश होती है और वो भी, और अब अगस्तीन डॉक्टर से प्यार करने लगी थी और उसके साथ साथ डॉक्टर के छोटे चेतन से भी। अब यहाँ पर अगस्तीन का इतना ज्यादा बॉन्ड बन चुका था डॉक्टर के साथ कि वो अब नहीं चाहती थी कि कोई और डॉक्टर उसका ऑपरेशन करे। अब जैसे अगस्तीन को दोस्तों एक खबर पता पड़ती है कि डॉक्टर तो बाहर जा रहे हैं तो वो बिल्कुल नाराज हो जाती है क्योंकि वो अपना ऑपरेशन किसी और डॉक्टर से नहीं करवाना चाहती थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरे डॉक्टर उसको ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं तो अगस्तीन यहाँ पर पागलों की तरह झटपट आती है और साथ ही साथ अगस्तीन दोस्तों ठीक से खाना भी नहीं खाती। अब अगले दिन जैसे ही डॉक्टर हॉस्पिटल में वापस आते हैं तो नर्स उसे अगस्तीन के बारे में बताती है और कहती है कि अगस्तीन ने किसी और डॉक्टर से अपना ऑपरेशन भी नहीं करवाया और ना ही खाना खाया है। अब डॉक्टर दोस्तों अगस्तीन के पास जाते हैं और उससे मुलाकात करते हैं। दोस्तों जैसे ही डॉक्टर अगस्तीन के पास आ जाते हैं तो भाई अगस्तीन तो खुश, वो डॉक्टर के हाथों से सूप पीती है और बहुत ही खुश हो जाती है। इस सीन में अगस्तीन के ऊपर ठरक आ जाती है और वो डॉक्टर को किस करने की कोशिश करती है पर डॉक्टर को ये सब अच्छा नहीं लगता तो वो उससे मना कर देता है। अब दोस्तों अगले दिन हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर के अंदर ये एक रात ठरकी कीड़ा जागने लगता है और वो अगस्तीन के रूम में उसे सोता हुआ देखने के लिए जाता है पर डॉक्टर वहीं से दोस्तों से देखकर उल्टा लौट आता है क्योंकि उसे ये सब चीज़ें अच्छा नहीं लग रही थी। अब रात को डॉक्टर दोस्तों ड्रिंक कर रहे थे। अब यहाँ पर सुबह होती है और हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर अगस्तीन के ऊपर एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे और जैसे एक्सपेरिमेंट पूरा होता है वो लोग बाहर आते हैं और अगस्तीन डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर आप मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट तो करते जा रहे हैं पर इसका मेरे ऊपर कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है और मैं किस प्रकार अब मैं कितने दिनों में ठीक हो पाऊंगी। तो दोस्तों डॉक्टर जो होते हैं वो अगस्तीन की इस बात को इनकार कर देते हैं और उसका कुछ भी जवाब ना देते हुए आगे चलने लगते हैं। अब दोस्तों यहाँ से फिर से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि जिस डॉक्टर को अगस्तीन को फिर से कुछ और डॉक्टर के सामने पेश करना होगा। तो डॉक्टर ये बात कहने के लिए अगस्तीन के पास आता है और वो अगस्तीन को तैयार करता है और उन सभी जो डॉक्टर्स थे जो नए डॉक्टर्स थे उनके पास लेकर जाता है। पर तभी दोस्तों वहां से अगस्तीन जो है वो वहां से भाग जाती है और नीचे गिर जाती है। और अब दोस्तों जैसे ही अगस्तीन की आंखें खुलती हैं तो उसे पता पड़ता है कि उसका जो हाथ पैरालाइज था वो अब ठीक हो चुका है और अब उसे कोई भी बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्टली ठीक हो चुकी है। अब हम अगले सीन में देखते हैं डॉक्टर को जो कि सभी डॉक्टरों के सामने था और उन्हें प्रूफ करने की पूरी तैयारी में था कि आज मैं इन सब लोगों को बता दूंगा कि ये बीमारी भी ठीक हो सकती है। अगस्तीन भी वापस आ जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो अगस्तीन के ऊपर हिप्नोटिज्म करने की कोशिश करते हैं पर यहाँ पर अगस्तीन को हिप्नोटिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वो ठीक हो चुकी थी। पर अगस्तीन फिर भी डॉक्टर से प्यार करती थी तो उसकी इज्जत रखने के लिए वो यहाँ पर हिप्नोटिज्म से बेहोश हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि दोस्तों वो बेहोश होने के बाद फिर से उस सिंड्रोम के वापस आने का नाटक करती है पर डॉक्टर उसे झटपटाते हुए देखकर समझ चुका था कि अगस्तीन जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है और वो ये सब नाटक कर रही है। अब हम देखते हैं कि अगस्तीन अपने रूम में जाती है और जहाँ पर वो आधी नंगी होती है और वो डॉक्टर को देखते ही दोस्तों उसका जो ठरक का कीड़ा था वो जाग चुका था और यहाँ पर डॉक्टर और अगस्तीन आपस में ही खपागप करते हैं और जो कि बहुत देर तक चलता है और क्योंकि हमने डॉक्टर के छोटे चेतन को अंडर एस्टिमेट करा था पर वो बहुत शक्तिशाली था। अब हम लोग देखते हैं कि एंड में जो सारे डॉक्टर्स थे वो भी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका जो पैसा लगाया था इस बीमारी में वो भी सारा वापस आ चुका था और बढ़ भी चुका था। हम देखते हैं अगस्तीन डॉक्टर की ड्रेस पहनकर वहां से निकलने की कोशिश करती है और डॉक्टर भी उसे नहीं रोकता क्योंकि जो अगस्तीन थी वो अब ठीक हो चुकी थी। और यहीं पर दोस्तों हमारी मूवी जो है वो एंड होती है। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।